हेलो फैमिली मेंबर्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आप सभी कैसे होते हैं? आप सभी ठीक होते होंगे। और आप लोग मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि उस वक्त मैं एक मुगवांग वीडियो बनाया था। उस मुगवांग वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया था, तो इसीलिए पेट बहुत गड़बड़ हो रहा था। तो फिलहाल अभी तो ठीक है। और आप फैमिली मेम्बर्स, इस वक्त मैं अभी नाहरलगन पे हूँ। आई थिंक नाहरलगन में अभी 2 साल के बाद फिर से मैं वापस आया हूँ। और वापस आके देखा है तो जैसे नाहरलगन पहले हुआ करता था, अभी टोटली चेंज हो गया है यहाँ पे, क्योंकि अभी रास्ता भी बन रहा है ना, तो इसीलिए। और धूली भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एक समय ऐसा था कि ईटानगर में जब वहाँ पे रास्ता बन रहा था, वही कंडीशन हुआ करता था, और वही कंडीशन जो अभी नाहरलगन पे। और हाँ फैमिली मेम्बर्स, मैं ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अभी तक कैपिटल अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल को अभी तक नहीं देखा है। उन सभी लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। ईटानगर कैसा दिखता है, नाहरलगन कैसा दिखता है, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़, अपने अगर आपके मम्मी या फिर पापा या आपके बहन अगर अभी तक ईटानगर ने देखा, तो मेरे इस वीडियो से, मेरे इस व्लॉग के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन अभी शाम भी हो गया है, 4 बजने वाला है, और अभी और विंटर भी है। विंटर में तो जल्दी शाम हो जाता है, तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। तो चलिए, आप सभी को मैं अभी थोड़ा सा बाहर जाके तौर कराऊंगा, ठीक है? चलिए। मेरा गाड़ी का बोनेट अभी पूरा धुली धुली होके बैठा हुआ है, क्योंकि देखिए क्योंकि बहुत धुली है बाहर ना, तो इसीलिए अपना गाड़ी का खिड़की पूरा चारों खिड़की को बंद करके रख दिया है। नहीं तो अंदर पे भी वही सेम कंडीशन हो जाएगा। अभी फिलहाल नाहरलगन का रास्ता ईटानगर के कंपेयर में बहुत ख़राब है, क्योंकि अभी ऑन द प्रोसेस है, इसीलिए रास्ता यहाँ पे बहुत ख़राब है। जब कंप्लीट हो जाएगा तब बढ़िया होगा। अभी कुछ इस तरह, पहले यहाँ में भी एक रॉयल एनफील्ड का दुकान हुआ करता था, शोरूम हुआ करता था, और साथ में सर्विसिंग सेंटर भी था यहाँ में ना, रॉयल एनफील्ड का। और यह सी सेक्टर, अगर सीधा जाएंगे तो आप सी सेक्टर मिलेगा। और यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ भी था ना, तो ये वाला सी सेक्टर जाएगा। यहाँ में एक ट्रैफिक पुलिस का वो स्टैंड भी हुआ करता था। और इस तरफ में एक बागान टाइप का जैसा था गार्डन ना, वो भी अभी पूरा चेंज हो गया है, पूरा टोटली चेंज हो गया है। तो अभी हम पहुंचने वाला है वो तीनाली, यूपिया तीनाली। राइट साइड जाने से आपको यूपिया मिल जाएगा, और ट्रेन स्टेशन भी उस तरह भी है। ये जगह भी बहुत चेंज हो गया है, मैं अभी आप सभी को दिखाता हूँ। ये भी पूरा चेंज हो गया है, ये जगह जैसे पहले था ना, उससे ज़्यादा पूरा चेंज हो गया है। यहाँ पे बहुत सारा सब्जी बिक्री करने वाला भी था, तो यहाँ पे दुकान, छोटा छोटा दुकान भी था। ये वो तीन नली देखिए, इस रास्ते से जाऊंगा। ओ ये रास्ता भी पूरा चेंज हो गया, और ये पहाड़ कभी अभी खतरे है। यहाँ में एक बड़ा सा पहाड़ था ना, वो पहाड़ को भी काट दिया। बाबा बाहर तो इतना धूली है, देखो देखो ये पहाड़ को पूरा काट दिया है। और सामने वाला रास्ता के सामने में एक बड़ा सा पहाड़ था ना, उसको पूरा काट दिया। तो अभी नीबा मेडिकल पहुंच गया है। अभी ये नीबा मेडिकल भी अभी टोटली चेंज हो गया है। नीबा भी, और ये था नहीं है नीबा मेडिकल, ये भी पूरा चेंज हो गया है। पहले यहाँ तक था नीबा मेडिकल जो, तो उसको तोड़ के अभी पीछे और पीछे चला गया रास्ता का वजह से। ये वाला
पहले बस रास्ता का सामने में बनाया था और पीछे चला गया। और ये दुकान जो देख रहे हैं ना, ये दुकान से पहले बहुत सामान लेता था। ये दुकान भी अभी पूरा देखो, जस्ट रास्ता का सामने में बन गया। ये दुकान के पहले रास्ता यहाँ तक नहीं आता था, टोटली चेंज हो गया और आगे और चेंज होते जाएगा। जगह पूरा घुस जाएगा वही बापू नाला पे है। अभी ये ब्रिज अभी बन गया है, पहले ब्रिज वही था, सिर्फ वही एक ही ब्रिज था, वहां से आना जाना करता था। अभी दो ब्रिज बन गया यहाँ पे। आना अबू लोग बर्मा बुरा किधर इनको बोलो दे उपाको मीता नगर है मंगटन तेम नोक वीडियो नोक वीडियो के माध्यम से नलो मोदी का दूँ ये उपाक। थोड़ा देर पहले मैं आप लोगों को नाहरलगन का रास्ता दिखाया था, क्योंकि वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है तो इसीलिए बहुत ख़राब था। तो अभी ईटानगर पहुंचने वाला है, तो इसीलिए ओ माय गॉड। अभी देखो ईटानगर का रास्ता ठीक है एज़ कम्पेयर टू नाहरलगन। तो नाहरलगन का भी ऐसे ही हो जाएगा बाद में, जब पूरा बन जाएगा ना तो नाहरलगन का रास्ता भी ऐसे ही हो जाएगा। तो उतना ट्रैफिक भी नहीं होगा यहाँ में। पहले ईटानगर में भी बहुत ट्रैफिक था, तो क्योंकि रास्ता बहुत छोटा था और एक ही रास्ता से एवरी गाड़ी जो आना जाना कर जाता, तो इसीलिए वहाँ पे बहुत दिक्कत था ना। लेकिन अभी देखो जो लोग ऊपर जाते हैं वो लोग एक रास्ता से जाते हैं, और जो लोग नीचे जाते हैं वो लोग अभी एक ही रास्ता से जाते हैं, तो इसमें कभी भी ट्रैफिक जाम नहीं होगा। पंग ईटानगर पे मांगा था, ईटानगर तलोक पर बदांगी का यालो दूँ। तो अभी ऑफिशियली ईटानगर पहुंच गया है, वो ऑफिशियली ईटानगर पहुंच गए। अभी देखो ईटानगर का रास्ता भी बहुत बढ़िया हो गया ना पहले से कंपेयर में, आई मीन पहले का कंपेयर में बहुत चेंज हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। पहले यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही रास्ता था और वही रास्ता से सब आना जाना करता था, तो इसीलिए बहुत ट्रैफिक जाम हुआ करता था। लेकिन अभी ईटानगर में आपको ट्रैफिक जाम उतना नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अभी देखो सेपरेट हो गया रास्ता। और आज संडे में इसीलिए थोड़ा सा ट्रैफिक जाम थोड़ा सा कम लग रहा है कल से। और अभी अंदर पास पहुंचने वाला है, ये देखो ईटानगर अंदर पास बैंक तिनियाली। पहले बैंक तिनियाली भी ऐसे नहीं था ना, अभी बैंक तिनियाली का सामने में ये बना दिया और जगह पे ही बना दिया ये अंदर पास। आई थिंक अरुणाचल में और जगह में नहीं है क्या? वाह, अंदर पास नहीं किया और जगह में, सिर्फ ईटानगर में किया। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज करेक्शन कर देना। Pantaloons. Ado nanna abu gudar. Agapani kan muluk Rajdhani muluk ke capital Arunachal muk capital Badang. Town aralok Badang eh. Kanna mana muluk ko man an kitu apa? An rongong kok an kimang ila hidup pa. Dan nanu mo Badang ila kan bidang. पोचा को पोचा को चेंज का है। यहाँ से राइट लेने से आपको आईजी पार्क मिल जाएगा, नीचे जाने से आईजी पार्क। देखा मैंने कहा था ना यहाँ पे उतना धूली नहीं है एज कम्पेयर टू नाहरलगन, लेकिन ईटानगर
का कंडीशन भी सेम था। ये अभी जैसे नाहरलगन का कंडीशन हो रहा है वैसे ही कंडीशन था। और देखो लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर रहे हैं, तो हल्का से अगर हम इस तरफ मोड़ने से उसको लग जाना था। बहुत रिस्की है यार, बहुत रिस्की है। फैमिली मेंबर्स ये ऊपर सेक्रेटरी एकदम पूरी रख, ये सामने पे ये सेक्रेटरी है, लुक एट द पेंटिंग वॉल पेंटिंग कंप्यूटर है, सुंदर है ना वॉल पेंटिंग। अभी थोड़ा अंधेरा हो गया, थोड़ा उजाला होने से और बढ़िया दिखना था।